चीन कर रहा है भारत की जासूसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति समेत कई वीवीआईपी की जुटाई जानकारी। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी की भी कराई जासूसी। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस का दावा। सीरियस जनरल विपिन रावत, देश के कई मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, उद्योगपतियों की भी कराई गई जासूसी। देश में 10,000 से ज्यादा व्यक्तियों और संगठनों की जानकारी जुटाई गई। चीन की कंपनी जेनुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जासूसी कर रही है। जेनुआ एक आईटी कंपनी है और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करती है। जासूसी करने वाली कंपनी जेनुआ के 20 देशों में डेटा सेंटर है और करोड़ों खबर और सोशल मीडिया इनपुट के आधार पर यह कंपनी 30 लाख डेटा पर नजर रखती है। जासूसी करने वाली कंपनी जेनुआ सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी, दोस्तों के बारे में जानकारी, पारिवारिक संबंधों की जानकारी, सोशल मीडिया पर पोस्ट, कमेंट्स, लाइक्स के विश्लेषण करके जानकारी जुटाती है। कंपनी केवल ये एक कंपनी ही 30 लाख हस्तियों पर नजर रखती है, 500 करोड़ न्यूज और सोशल मीडिया इनपुट्स के माध्यम से। इनकी इस देश में सुनी जाती है। इसके ऊपर भी उसने आप जैसे चैनल के सुधीर चौधरी जी का नाम शायद सेलेक्ट किया होगा, यही एक रीजन हो सकता है। एक बार फिर सामने आया गलवान घाटी पर चीन का झूठ। अमेरिकी अखबार न्यूज वीक ने गलवान में चीन के मारे गए सैनिकों की संख्या 60 बताई। उमर खालिद पर लोगों को उकसाने और फंड उपलब्ध कराने का भी आरोप। सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध करने के लिए दिल्ली के जंगपुरा में बैठक की गई थी। दिल्ली दंगा मामले में स्पेशल सेल ने राहुल रॉय और सबा दीवान से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में पूछताछ जारी। दिल्ली दंगों में दोनों की भूमिका संदिग्ध। कोरोना महामारी के बीच संसद का मॉनसून सत्र शुरू। पीएम मोदी का कोरोना पर सावधानी बरतने पर जोर, कहा जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई। लोकसभा में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दी गई श्रद्धांजलि। गायक पंडित जसराज को भी किया गया याद। सम्मान में रखा गया 2 मिनट का मौन। चीन से तनाव पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, संसद सत्र के लिए सरकार जिम्मेदार, देश को विश्वास में लेना चाहिए, सेना के समर्थन पर कोई बहस ही नहीं, हम जवानों के साथ। 2021 की शुरुआत में कोरोना वैक्सीन आने की उम्मीद, स्वास्थ्य मंत्री ने जताया भरोसा। कोरोना महामारी पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, संसद में उन्होंने बयान दिया। संसद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बयान, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है देश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा आज देश में पर्याप्त मात्रा में कोरोना किट, दवाइयां समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, देशवासियों से सावधानी बरतने की अपील। संसद परिसर में डीएम के सांसदों ने किया नीट परीक्षा कराए जाने का विरोध। मास्क लगाकर सदन में पहुंचे डीएम के सांसद। बिहार में जल्द हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान। बिहार दौरे पर निर्वाचन आयोग की 2 सदस्यीय टीम चुनाव की तैयारियों का लेगी जायजा। आज देश में मनाया जा रहा है हिंदी दिवस। पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा हिंदी के विकास में योगदान दे रहे सभी भाषाविदों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। 27 सितंबर को पीएम मोदी करेंगे मन की बात। पीएम मोदी ने मन की बात के लिए लोगों से मांगे आइडियाज। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.